नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट अनिशा और आप देख रहे हैं सहरी की तैयारी। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक? मैं भी बिल्कुल ठीक हूं और मेरी दुआ है आप हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें और इसी तरह सहरी में मेरा शो देखते रहें, उसे पसंद करते रहें, क्योंकि हर सहरी में आपको पता है कि मैं बनती हूँ किसी न किसी घर में जाके उनकी मेहमान और वहाँ सहरी भी करती हूँ, उनसे कुछ गपशप भी करती हूँ और यकीनन जो एक मेरा फेवरेट पार्ट है कि उनके किचन में जाके उनसे कुकिंग भी करवाती हूँ, क्योंकि पूरा सारा साल मैं जो हूँ खुद कुकिंग करती हूँ, पर ये एक महीना ऐसा होता है सहरी का कि मैं कुकिंग करवाती हूँ और मैं सिर्फ खड़ी होकर बात करती हूँ। अच्छा जी, आज हम कहाँ मौजूद हैं? आज हम मौजूद करीमाबाद मीना बाजार के एडमिनिस्ट्रेटर जमील अख्तर साहब के घर और उनकी फैमिली के साथ। आज हम सहरी करेंगे और उनसे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। सलाम, कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम आपके मेहमान हैं K21 से। जी शुक्रिया। आपको खुशी नहीं हुई? बहुत खुशी हुई है। वैसे भी K21 से मेरा गहरा ताल्लुक है। अच्छा। क्योंकि कोई भी ओकेजन होता है किसी किस्म का तो ये मेरे साथ काफी कोऑपरेट करते हैं। अच्छा। तो इनसे ऐसा रिश्ता है K21 से घर का साथ होता है। अच्छा। तो कभी भी कोई मसला होता है हमारा मार्केटों के हवाले से तो हम इनको कहते हैं, ये फौरी रफीक भाई आते हैं और इसको उजागर करते हैं, उसको हमको फौरन उसको इंटरव्यू वगैरह करके आगे बढ़ाते हैं, हमारी हमारी आवाज़ को यानी आगे पहुंचाते हैं। अच्छा। कभी लाइट का मसला हो मार्केटों में या कोई और दूसरे मसले मसाइल हो, इंक्रोचमेंट का ये वो, तो हम फौरन K21 को इनको बोलते हैं तो ये फौरन आके हमारे साथ कोऑपरेट करते हैं। अच्छा। तो एक तरह से हमारा काफ़ी क्लोज है और इनसे घर का फैमिली से हम इनसे। ठीक है जी। अच्छा ये बताएं कि मीना बाजार जो है वो तमाम वहाँ औरतें ही जा सकती हैं मीना बाजार में मेहंदी लगवाना या कुछ भी? सबसे ज्यादा मीना बाजार में, अब तो खैर जगह जगह आप अच्छे अच्छे पॉलर देखते हैं कि वहाँ जाके भी मेहंदी लगवाते हैं, वरना कुछ अर्से पहले मेहंदी अगर आपने जबरदस्त अच्छी वाली लगवानी है तो आपने मीना बाजार जाना है और आपने अगर अच्छा मेकअप करवाना है दुल्हन ने वहाँ ज्यादा से ज्यादा वहीं तैयार होती थी। अब कुछ क्योंकि ब्यूटी पार्लर ज्यादा हो गए हैं हर एरिया में, 4-5-6 है, तो मीना बाजार में कुछ कमी आई है काम के हवाले से? नहीं, ऐसा नहीं है मसला। मेहंदी खास तौर पर जो है मीना बाजार से अच्छी कहीं नहीं लगती, क्योंकि ये मीडिया से ताल्लुक भी और फिर दुनिया इंटरनेशनली तौर पर सफर भी होते हैं और पता चलता है तो दुनिया से बाहर से भी कुछ लोग आते हैं तो वो मीना बाजार में मेहंदी को फोकस देते हैं। हमारी यहाँ की खसूसी तौर पर मेहंदी आर्टिस्टें बहुत अच्छी हैं, क्योंकि मेहंदी की बहुत सारी किस्में हैं, राजस्थानी है, सूडानी है, इंडियन है, अरबी है, पाकिस्तानी है, बहुत सारी मेहंदी की किस्में। तो इसी में इसी तरह से जो अच्छा आर्टिस्ट होता है, एक ज़माने में था कि मोटी मेहंदी लगती थी हाथ पे, लेकिन अभी थोड़ा सा रिवाज आया कि बारीक मेहंदी लगती है। अच्छा। तो उसमें बेल है या कोई चटाई डिजाइन है या बहुत सारे मुझे भी याद हो गए। अच्छा। क्योंकि इतना अर्सा हुआ है तो वो जिस तरह से जो लगती है तो हमारी आर्टिस्ट ऐसी है कि वो उनके मैार पे पूरा उतरती है। अच्छा, जो नई लड़कियाँ सीखना चाह रही हैं उनको भी ट्रेनिंग वहाँ पे देते हैं कुछ ऐसा है सिलसिला कि नए आर्टिस्ट जो मेहंदी वही ट्रेनिंग ले? हाँ बिल्कुल ऐसा है, क्योंकि देखें ये मीना बाजार जब हमने बताया था, एक तो ये चीज ऐसी थी कि ये जगह ऐसी है, उस जमाने में तो किसी को ये कि ऑफिस से ऑफिस दुकानदारी क्या करनी, ऑफिस भी जाते हुए लड़कियों को इजाजत नहीं होती थी। तो जब जिस वक्त हमने ये बनाया था और उसकी स्लोगन ये था कि दुकानदार भी खातिन और खरीदार भी खातिन, ये इसका आइडिया ये था जिन्होंने बनाया, मोहम्मद यूनुस शाह का नाम था उनका। अच्छा। मशहूर थे प्यारे मियां के नाम से, तो उनके साथ ही हम जब से ही थे, उनका इंतकाल हो गया, उनके साहबजादे मोहम्मद असलम शाह खान साहब। अच्छा। तो इधर हम लुक आउट करते हैं, बाकी दूसरे सरपरस्ती उनकी होती है। अच्छा। तो उस जमाने में जब हमने शुरू किया तो उसमें यही था कि हमने सिखाना फ्री और लगवाना फ्री। अच्छा। यानी हमने 10 साल तक फ्री मेहंदी लगवाई है ये इस तरह। अच्छा। वरना तो शुरू के जमाने में जो था तो हाथ पे ऐसे सीधी मेहंदी लगती थी, वो पैरों में वो तलबों में लगती थी, तो हमने 10 साल तक फ्री मेहंदी लगवाई और वही लड़कियों को सिखाई है। अब कंडीशन ये है कि पार्लर वालियाँ खुद सिखवाती हैं और उसके बाद वो आर्टिस्ट बन जाती है तो बहुत सारी उसको अपने जॉब पे रख लेती हैं। अच्छा। बहुत सारे दूसरे पार्लरों में चली जाती हैं जहाँ जिनको मौका मिलता है। अच्छा, तो कितना अर्सा हो गया मीना बाजार को? मीना बाजार ये बनाता तकरीबन अलकरम बनाया था हमने 74 के, उसके बाद मीना बाजार बनाया था। अच्छा। 74 के अशरे में अलकरम इस बार बनाया था, उसके बाद मीना बाजार जब हमने बनाया तो ये 80 और 90 की दहाई में बनाया था। अच्छा। तो तकरीबन इसको होने को आ रहे 45 साल तो तकरीबन हो रहे हैं। मसाइल हैं या नहीं? मसाइल तो देखिए, एक घर में अगर वो जो बड़ों की कहावत है 2 बर्तन भी होते तो खटकते हैं, ये तो है ना, लेकिन वहाँ पे जहाँ पे 300 खवातीन दुकानदार हों और फिर सुबह से शाम तक माशाल्लाह हजारों जो है कस्टमर भी आते हैं,
तो औरतों में थोड़ा सा ये हो जाता है, जेलेसी तो है ना, उसने मेरा कस्टमर ले लिया, उसने मेरा ये कर लिया, इसने देखें इसने सेल लगा दी। अब हालांकि वो जो मर्दों में सेल तो लगती है। सुनार की दुकानें 50 हैं, यहाँ पे बराबर में थोड़ी सी जेलेसी होती है, इनमें मसले मसाइल आते हैं तो वो हल करते हैं। फिर दूसरे सबसे बड़ी जो मुझे शिकायत इनसे, जबकि मैंने अनाउंस भी किया है, आज भी मेरा दिमाग पक गया, गुस्से की कमेटियां डालती हैं। अच्छा, उसके अंदर झगड़े होते हैं, जिसको मिल गई वो तो अपने, हाँ, और जो टूट गई तो बस, तो फिर वो फिर तो चले जाओ। मैं कहता हूँ मैं डालती क्यों, अपने मोहल्ले में डाल लो, अपने घर में डाल लो, मैं यहाँ क्यों डालती हूँ। तो वो इस किस्म के छोटे मोटे झगड़े आते हैं इनके औरतों के आपस में, तो लेकिन हम बैठ के उसको सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि वो भी मेरे सामने वहाँ तीसरी नस्ल है, तो एक फैमिली की तरह आए वहाँ पे, यानी क्योंकि वो एक बच्ची आई थी, उसने सीखा, उसने चला रही थी, फिर उसकी शादी हुई, उसकी बेटी हुई, उसकी भी बेटी, हाँ। तो मेरे सामने वह तीसरी नस्ल है, हाँ। तो डांट डपट भी होती है, ये समझा तो सुन लेती है मेरी, माशाल्लाह वो। अच्छा, तो अल्लाह ताला चला रहा है, और अब जब तक जिंदगी अल्लाह ताला चलाता रहे। आपके साथ जो है वो आपकी बहू है? हाँ माशाल्लाह, ये मेरी ज्वाइंट फैमिली है, ये बहुएं जो है मेरी मेरे साथ होती है, तो ये मेरे बराबर में ये सानिया है। अस्सलाम वालेकुम, ठीक है अल्लाह का शुक्र। किस तरह से सहरी में क्या चीजें खाना करती हैं, और किस तरह से सब जाग जाते हैं? या सारे बच्चे जागर होते हैं, सब जागरे होते हैं, और बस ये है कि ज्वाइंट फैमिली सिस्टम है, तो एक अलग ही एक मजा होता है सहरी का, तो बस ये है कि मिल बात के मुझ सहरी करते हैं। कभी ऐसा नहीं होता कि नहीं होता है ऐसा, जब मुझे सिर्फ सहरी बन जाए, तैयार हो जाए, दस्तरखान पे लग जाए, मुझे आज उस टाइम होता नहीं, ऐसे तो खैर नहीं हुआ यहाँ पर और ये है कि सब मिल बांट के बनाते हैं सहरी। अच्छा मुझे एक चीज बताएं, मैं अभी तक नहीं देखा कि सहरी में किसी ने कहा हो कि मैं दाल बहुत शौक से खाती हूँ और मैं सब्जी बहुत शौक से रमजान में खाती हूँ, ऐसा नहीं पर है? मेरी मदर इन लॉ है, वो बहुत शौक से खाती है ये वाली चीजें, और ये है वो भी बनती हैं चीजें, लेकिन कभी कभी ज्यादा नहीं, मतलब रमजान में इतनी ज्यादा नहीं, रमजान में इतनी रोजा रख के दिल करता है अच्छी नहीं, रोजे के बाद तो फिर हमारे यहाँ खाने का कुछ है ही नहीं, बस रफ्तारी करी वही है बस हमारे लिए सब, फिर उसके बाद सहरी। हाँ अच्छा जी, आपके साथ जो है वो कौन? ये बड़ी भाभी है। अच्छा बड़ी भाभी, वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र। अच्छा बड़ी भाभी पहले आ गई होंगी ना घर? शादी मेरी पहले हुई थी, तो उस टाइम तो छोटी भाभी नहीं थी, तो फिर काम का तो ज्यादा बोझ होगा ना सहरी के टाइम नहीं, मुझसे बड़ी भी एक जेठानी है मेरी। अच्छा, मिलके करते हैं हम लोग सब। अच्छा मिलके करते हैं, तो रमजान में क्या रूटीन होती है आपकी? बस सारी रात बच्चे जाग रहे होते हैं, अभी तो खैर आप देख लीजिए 2-3 साल से छुट्टियों में आ रहे हैं रमजान, तो वो बच्चे भी सब जाग रहे होते हैं, तो 3 बजे से फिर सहरी बनाना शुरू हो जाते हैं, सहरी करके नमाज वगैरह पढ़ के सिपारा पढ़ के फिर सोते हैं, तो फिर ये के जोर में उठते हैं, फिर ये के अपना सिपारा पढ़ा, नमाज पढ़ी, सब करके फिर हल्के हल्के पकाना शुरू, माशाल्लाह बड़ी फैमिली है तो हल्के हल्के पकाना शुरू करते हैं, तो फिर वो मगरिब तक हो जाता है जी, उसमें भी पढ़ते भी रहते हैं बीच में नमाज। सहरी के बाद आप सोएं तो वो वाली मजेदार जो एक नींद होती है रात की वो नहीं होती, तो फिर काम थोड़ा सा सुस्त नहीं हो जाता इंसान? मुझे में तो खैर वैसे ही जरा सुस्ती ही रहती है, लेकिन हाँ ये कि उठ जाते हैं एक दो बजे तक, कोई ऐसी पाबंदी नहीं है कि जल्दी उठें, मर्जी होती है, जब नींद भर गई उठ गए तो बस अपने कामों में लग गए, कोई इतना खास नहीं होता। अच्छा कोई ऐसा नहीं हुआ कि आंख नहीं खुली, अलार्म नहीं बजा और सो गए और सहरी बगैर रोजा रखना पड़ा? ऐसा नहीं, क्यों नहीं हुआ ना, क्योंकि सोए नहीं ना, और जब अभी तो खैर छुट्टियों में आ रहे हैं, उससे पहले भी जब आए तो उसमें भी ऐसी होता था कि नहीं घर में कोई एक आध दो लोग तो उठे ही रहते हैं, और खासतौर से मेरे हस्बैंड तो उठे ही रहते हैं, तो वो तो अगर हम सो भी जाए तो उठा देंगे। अच्छा जी, उनके साथ जो है वो बेटी है आपकी? अस्सलाम वालेकुम, कैसी है आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा इतनी होती है आप अनमैरिड है? नहीं मैं मैरिड हूँ। मैरिड है, आज आप आई हुई हैं? जी सैटरडे को जो हम लोग यहीं होते हैं, पप्पा का और भाइयों का है कि सैटरडे इन्होंने एक वीक में डे रखा हुआ है कि बेटियां साथ ही रोजा खोलें, साथ ही सहरी करें, तो आज सैटरडे है तो हमारी सहरी यहीं है सबके साथ। मतलब सहरी यहाँ भी आप बनाती हैं, आपकी छुट्टी नहीं होती? नहीं ऐसा तो नहीं है, इतना ज्यादा नहीं, लेकिन साथ खड़े हो गए, थोड़े से पराठे बेल लिए, किसी ने सेक लिए, बच्चा कोई रोया तो अंदर आ गए, बच्चे देख लिए, तो सब मिलके कर लेते हैं। और इसके नस्बत अगर कोई अकेला रहता है तो वो बीमार हो या कुछ भी हो, सारे काम उसी ने करने, इसलिए ज्वाइंट फैमिली सिस्टम बहुत ज्यादा अच्छा है और होना भी चाहिए। वैसे कम रह गया, अब इतना ज्यादा नजर नहीं आता, तो आप क्या कहते हो कि कौन ज्यादा सेपरेट रहना अच्छा है या नहीं? नहीं ज्वाइंट रहना अच्छा है, क्योंकि हम लोग तो यहाँ वेट करते हैं कि कब सैटरडे आए और हम भाग कर जाएं, तो हम यहाँ पर बहुत अच्छा हमें फील होता है आके सबके साथ एंजॉय करना, सहरी तक बातें करना, अक्सर हम मिलके मार्केट भी चले जाते हैं शॉपिंग के लिए, तो अच्छा लगता है।
रमजान से पहले वो जो एक होता है कि जाके आपने सारे सौदे लाने हैं, चिकन, बीफ, मटन और फ्रूट, सब्जियां। रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो अम्मी पापा की है, उससे हम सब वेरी उज़्ज़म हैं। वो हमारा कोई मैटर नहीं है, अम्मी पापा का ग्रोसरी का मैटर, हमें सिर्फ पकाना है। बाजार के काम सारे हमने अम्मी पापा के। अच्छा जी, आपके साथ आपकी सिस्टर? जी, ये मेरी सिस्टर है। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। आप बड़ी बहन है पर आप छोटी लग रही हैं, क्यों? हाँ, अच्छा, आप छोटी ही नहीं है, आप बड़ी हैं, पर वैसे आप छोटी लग रही हैं। क्यों, डाइटिंग आप ज्यादा करती हैं? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं। एक्सरसाइज वगैरह, खाने का बहुत ज्यादा ख्याल रखती हूँ कि वेट ना बढ़े। बिल्कुल, गॉड गिफ्टेड है कि आप लगती नहीं है। हाँ, ये भी देखें, अल्लाह का तोहफा है कि बड़े हो के भी आप बड़े ना लगे, आप छोटे लगे। और फिर छोटा जो है वो फिर खुद अपनी जगह इनकी तरह हर जगह बताते हैं। वाकई में मुझे हर जगह बताना पड़ता है। इवन के हम पॉलर भी दोनों एक साथ गए तो वहाँ पर भी मुझे बड़ी बाजी कह रहे हैं। उनका नहीं, ये बड़ी बाजी है। अच्छा, वैसे भी बड़ा तो औरतों को, वैसे भी अगर एज का पूछ लो तो बहुत ज्यादा मसला होता है। ये बताएं, एज का वैसे अगर कोई पूछ ले आपसे, थोड़ा सा अजीब सा लगता है? मुझे तो बहुत ज्यादा लगता है। नहीं, तो ये तो है, ये तो है ना। और कभी अगर जरूरी मतलब जरूरत पड़ ही जाए कि आज बताना है, तो 5-6 साल आगे पीछे कर लेती है या फिर सही वाली बता देती है? डंडी मारनी पड़ती है। अच्छा जी, ये लाजमी होता है। पर एक बात मैंने सुनी है कि औरतों से उनकी उम्र और मर्द से उसकी सैलरी नहीं पूछनी चाहिए। ये दो चीजें आज मैं सहरी की तैयारी में आपसे कह रही हूँ कि इसमें इसका बहुत ज्यादा ख्याल रखा करें, ये दो चीजें ना किया करें। वरना होता ही ये, अमूमन मुझसे भी लोग पूछ रहे हैं आपकी एज क्या है, तो मेरी कोशिश होती है मैं उस टाइम मोबाइल में कोई मैसेज करना शुरू करती हूँ कि मैंने सुना नहीं है। पर इतने समझदार लोग होते हैं वो हिला के कहते हैं आपकी एज क्या है, तो मैं कहती हूँ मुझे याद नहीं, हमारे बताया नहीं था। अच्छा जी, और बताएं सहरी के बारे में कि सहरी में आप अपने घर जब होती हैं तो उस टाइम फैमिली आपके साथ, आपकी पूरा ससुराल रहता है या आप? नहीं, मैं सेपरेट रहती हूं। सेपरेट रहती हूं। मेरे सास ससुर दोनों की डेथ हो चुकी है, बाकी सब शादीशुदा हैं, सब सेपरेट रहते हैं। अच्छा, सेपरेट रहती हूं। तो फिर जब आप सहरी से पहले सोए हुए होते हैं बच्चे वगैरह? नहीं, तो बच्चे ऐसी है, हमारी भी सहरी के बाद ही सो रहे। अच्छा, आप पक्के कराची वाले हैं? पक्के कराची वाले। रात को जागना और सुबह देर तक सोना? बिल्कुल। तो बच्चे जब स्कूल जाते हैं फिर कितना मसला नहीं होता कि लेट अगर सोते हैं बच्चे तो? अभी तो वैसे भी मेरे बच्चे तो स्कूल भी जाते हैं तो थोड़ा लेट ही सोते हैं, मुझे इतना वो नहीं है, इतना खास इशू नहीं है मुझे सुनाने का। तो सहरी में क्या क्या आप क्या बनाते हो? वही पराठे वगैरह? या दो लोग होते हैं तो जैसे आसान होता होगा ना? नहीं, बच्चे छोटे हैं अभी, मेरे हस्बैंड और मैं ही तो होते हैं। पराठे से नहीं, मेरे हस्बैंड और मैं पराठे नहीं खाते, हमारी रोटी बनती है। रोटी बनती है, रोटी बनती है साथ। समझदारी तो नहीं करती हैं आप, रात को बना के हॉट पॉट में रख? नहीं नहीं नहीं, सुबह जान बच जाएगी। नहीं नहीं, मजा नहीं आता। कम हिम्मत लोग भी तो बहुत है ना दुनिया में। किचन में आ चुके हैं, जैसे कि आपको पता ही मेरा सेगमेंट ऐसा है कि इसमें मैं किचन में आ जाती हूँ। और ये देखिए, किचन में आते ही आते पतंगे भी आना शुरू हो गए, जो कि आपको पता है सहरी के टाइम में एक हलचल होती है, एक ये होता है कि जल्दी जल्दी सहरी लग जाए, तैयार हो जाए, क्योंकि टाइम आपको पता है कि कम ही होता है। और अच्छा जी, क्या बना रही हैं आप? सवैया बना रही। अच्छा, ये पहली सहरी है मेरी कि मैं सवैया खाऊंगी, सच बता रही हूँ, काफी इंतजार था, मैंने काफी अरसे से सवैया नहीं खाई। आप बताएं सवैया, मुझे लगता है ज्यादा आप ही बोलती हैं, ये भाभी हैं आपकी? जी, ये मेरी भाभी बनता है, नंद तो बोलती है, भाभी बेचारी कहाँ बोलती है, शरी सीधी सी होती है भाभी। सीधी है आपकी भाभी? बहुत ज्यादा, मतलब बोलती नहीं है, कम बोलती है। अच्छा, एक होता है इंसान जो बोलता नहीं है, और पर जब बोलता है तो फिर उसके बाद कोई और नहीं बोलता, ऐसा? आज आप सच बोल रहे हैं। नहीं नहीं, आपको भी पता होगा, ये मैं नहीं बता सकती, ये मेरे भाई बता सकते हैं। अच्छा, ये बताएं, गुस्सा आपको ज्यादा आता है या कम आता है? बिल्कुल कम आता है, बस आप तो मतलब समझेंगे क्या बोलूं मैं आप। अच्छा, ये सवैया बन रही है, रात को बना के रखी थी या अभी हमारे आते ही आपने तैयारी शुरू की? नहीं, ये अभी बनी ताजी है। अच्छा, सब बॉइल किया था पहले या ऑयल में वैसे ही डाल दी? किस तरह, थोड़ी सी रेसिपी बता दें मुझे। ऑयल में फ्राई किया था और चीनी वगैरह किस तरह से? ये वाला पार्ट होता है मेरा, क्योंकि एक शेफ भी हूँ मैं, तो मुझे जब किसी कुकिंग वाला कुकिंग कर रहा हो ना सहरी के टाइम पे, तो मुझे बड़ा मजा आता है कि मैं रेसिपी पूछूं और बंदा मुझे नाम बताए। अच्छा जी, अब आप बताएं मुझे रेसिपी। इसको थोड़ी सी घी में हमने जो छोटी इलायची को भगार लगाया है,
और फिर इसका पानी में चीनी डाल के शीरा बनाया। अच्छा, शीरा बना के उसमें सेवैयों को तोड़ के डाल दिया है और बस इसको उसमें फ्राई कर लिया है। अब इसको हल्का सा हम इसको ढक कर दम देंगे 5 मिनट के लिए, उसके बाद ये रेडी हो जाएगी। अच्छा, सेवैयां रोज सहरी में खाते हैं? कभी कभी बनती, कभी खजला, कभी फेहनी, कभी सेवैयां। एक्चुअली हमारे पप्पा जो है उनको मीठा जरूरी चाहिए, सहरी मीठे के बगैर उनकी सहरी अधूरी है। तो स्पेशली हमारे लिए हो ना हो, लेकिन पप्पा के लिए हमें खजला या फेहनी या सेवैयां इसका इंतजाम करते हैं। कोई दिन ऐसा तो नहीं होता कि लेट हो गया तो चले आज पप्पा आप टॉफी खा ले मीठी होती है, ऐसा कभी नहीं हुआ? प्यार होता है ना बच्चियों को बहुत ज्यादा, तो कभी कभी ऐसी शरारतें भी हो जाती हैं, होती है कभी? नहीं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। कभी कभी हमें पता ही है शुरू से कि पप्पा जो है इसके बगैर सहरी इनकी कम्प्लीट नहीं होती है, तो हम मीठा जरूर बना। अच्छा जी, वैसे भी खाने के बाद वैसे मीठा खाना चाहिए, चाहे थोड़ा सा खाएं पर जरूर खाएं। सालों से यही रूटीन है, पहले अम्मी बनाती थी, फिर हम लोग करते थे, भाभियां आ गई हैं, भाभियों को भी पता चल गया तो वो सब अरेंज करके रखती हैं। अच्छा, ये बताएं खाना बनाना आपने किससे सीखा? अम्मी से सीखा? अम्मी से सीखा। तो अम्मी ने आपको बनाया, सबसे पहली चीज आपने क्या बनाई? सबसे पहली चीज मैंने कस्टर्ड, कस्टर्ड क्योंकि पप्पा को मीठा पसंद है हमारे। अच्छा, वो तो गुटलियाँ भी बन जाता है ना पहली बार जो बंदा बना स्टार्ट में, वो खराब तो वो तो पता है आपको कि करते करते ही आता है, खराब भी हुआ लेकिन फिर आस्ते आस्ते ट्राई करते करते अच्छा सा बनने लगा। आपने बचपन में कुछ ऐसा तो नहीं किया? वो अमूमन बच्चे करते छोटे छोटे बर्तन लेके गली कूचे में कहीं बैठ के नीचे आग लगा के प्याज व्याज काट के बना रहे होते हैं, जिन्हें खाना बनाने का शौक हो वो बच्चियाँ ऐसे करती हैं? मैंने बहुत किया। ये जो मेरी सिस्टर है इनको बहुत एतराज रहता था, ये बहुत मॉडर्न सी हुआ करती थी और मैं थोड़ी शुरू से देसी टाइप की हुआ करती थी, मुझे कुकिंग का बचपन से ही शौक था और ये मुझे अब ये छेड़ती रहती थी, ये तो ना आपा है। तो पता नहीं कुदरती मुझे ही फिर सब पढ़ाई कहने लग गए हैं। नहीं, वो आप पता है आपको शौक इसलिए था कि मुझे एक चीज है, खैर पता आपको बाद में चला होगा, वो जो दिल का रास्ता है वो पेट से होके गुजरता है, तो इसलिए आपने बिल्कुल सही वाली चीज जो है ना वो पकड़ी थी बचपन में। और खुशबू बहुत जबरदस्त आ रही है, और आपको पता है कि किचन में मैं जब खुशबू आ जाती तो ज्यादा टाइम रुकती नहीं हूँ, फिर मैं इनको भी साथ लेके और दस्तरखान पे जाऊंगी और अब मैं सहरी करूंगी साथ, वहाँ बातें करूंगी, कुछ बच्चे भी होंगे बच्चों से भी बातें करूंगी, बच्चे भी बहुत ज्यादा खुश हो रहे हैं। हमने जो है जबरदस्त, ये चिकन है, बीफ है, मटन है, ये बीफ है। अच्छा, इसकी रेसिपी मुझसे मत पूछिए, मेरी अम्मी ने बनाया, ये मैंने पता था, समझदार है कि अब ये यहाँ ना मुझे पकड़ ले, पर नहीं मैंने बीफ की रेसिपी नहीं पूछनी थी। अच्छा चले, मैं फिर अब दस्तरखान पे बाकी बातें करूंगी और अब आज आ जाए फिर हम चलते हैं। चले जी नाज़रीन, अब हम जा रहे हैं दस्तरखान पे, वहाँ सहरी जो आपको पता है टाइम ज्यादा नहीं है, अब मैं किचन में ज्यादा देर रुकी रही तो फिर वो जो मैंने पहले बात की थी कि सहरी के बगैर कोई रोजा हुआ वो मेरा ना हो जाए, इसलिए अब चलते हैं जी दस्तरखान पे। आइए जी नाज़रीन, अब किचन से हम आ गए हैं दस्तरखान पे और हम सहरी भी साथ साथ कर रहे हैं और साथ आप रौनक देखे माशाल्लाह के, मैंने सबके नाम पूछे पर याद 3-4 ही हुआ मुझे नाम, आप देख सकते हैं। सहरी में ऐसा भी होता है कोई बच्चा रोता भी है फिर हम उसे चुप भी कराते हैं। आपका नाम क्या है? अयान। अयान, अयान कैसे हो? ठीक। अयान रोजे रखते हो? पिछले साल पूरे 30 रखते थे। पूरे 30 रखते थे माशाल्लाह, और इस साल भी अब 30 रखोगे इंशाल्लाह। वालेकुम अस्सलाम, मैं सहरी भी तो साथ करूँ ना, टाइम आपको पता निकल जाएगा सहरी का, तो आप फिर यही पे होते हैं, यही रौनक लगी हुई होती है। तो ये रौनक पापा अल्लाह में पापा को सेहत तंदुरुस्ती दे, पापा जो है ये हर सैटरडे को रोजा खुलवाते हैं, सहरी करवाते हैं, तो माशाल्लाह हम लोग सब बहन भाई यहाँ होते हैं। अच्छा, सब हम लोग के हस्बैंड भी, हम लोग की पूरी पूरी फैमिलीज होती हैं। अच्छा, तो ये रौनक अच्छी लगती होगी ना? बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि हाँ घर में तो ये रौनक नहीं होती, ये रौनक माँ बाप के दम से होती है ना, और अल्लाह उन्हें सेहत तंदुरुस्ती दे, आमीन। और इसी तरह होना चाहिए आपके साथ, आपके हस्बैंड? ये मेरे हस्बैंड जी, बिल्कुल वो मेरी तरह सेहत कर रहे हैं क्योंकि टाइम थोड़ा कम रह गया, उनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये बताए लस्सी जो है वो पीते हैं शौक से? शौक से। अच्छा, एक चीज मुझे समझ नहीं आई, लस्सी ठंडी, चाय गरम? चाय भी लाजमी पीनी होती है वरना सारा दिन दर्द होता है सर में, तो फिर चाय किस टाइम पीते हैं? लस्सी जो पीते हैं वो सुकून के लिए, सारा दिन सुकून रहे, और चाय जो इसलिए पीते हैं कि सारा दिन एक्टिव रहे। नहीं, पर फिर चाय सारा दिन एक्टिव रहती है, चाय पी लेते हैं पहले हम लस्सी पी के रोजा वगैरह खोल लेते हैं, सहरी वगैरह कर लेते हैं, जब एंड होता है 10-15 मिनट रहते हैं उससे पहले चाय पी लेते हैं। ये बिल्कुल ठीक आपने बताया, बिल्कुल जी इसी तरह अब आप करेंगे और जब खत्म होने से 10 मिनट पहले आप चाय पियेंगे, वो भी कड़क चाय
पत्ती वाली जबरदस्त, मीठा ज्यादा ना पिए, मीठा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, आपका वजन भी बढ़ जाता है और वैसे भी अच्छा नहीं होता, तो मीठा आप कम पिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? मैं ठीक, आप बताएं। आप मुझे बताएं आप, क्योंकि मुझे रिश्ते थोड़े से मुश्किल हो रहा है समझना, काफी सारे ना, दो तीन साल आती रही सहरी में, तो इंशाल्लाह चार साल के बाद मैं समझ जाऊंगी। आप बताएं आप कौन? मैं, ये मेरे नाना है। नाना है आप? अच्छा, नाना के घर आए हैं, यानी कि ये साथ जो है आपके फादर है? नहीं नहीं नहीं, ये मेरे खालू है, ये खाला है, ये खालू है। अच्छा, अम्मी आपकी अभी नहीं है? अम्मी मेरी अभी नहीं, और फादर बाहर होते हैं। अच्छा, बाहर होते हैं, ठीक है। तो फिर आप आज यहाँ पे आए हैं, क्योंकि हर सैटरडे यहाँ पे सब होते हैं, तो इस वजह से आप आए हैं। जी जी, बहुत अच्छी बात है। सहरी यहाँ पे हो रही है, मजेदार सहरी। जी जी, सहरी यहाँ पे हो रही है। कैसा लगता है यहाँ के? एंजॉय? बहुत अच्छा लगता है, बहुत मजा आता है। साथ कजिन्स वगैरह सब होते हैं यहाँ पे? जी जी जी। से आगे कौन है, उनसे भी बात कर लो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप? जी मैं ठीक। अच्छा, अब आप मुझे बताओ, बच्चे भी हंस रहे हैं कि सहरी पे इतने सारे सवाल हो रहे हैं, हालांकि सहरी का टाइम होता है कि सिर्फ खाना होता है, सवाल नहीं होते। ये पहली बार है कि इतने सवाल हो रहे हैं कि मुझे खाने का टाइम नहीं मिल रहा। अच्छा ये बताओ, सहरी में क्या पसंद करते हैं ज्यादा खाना? पराठा, अंडा। पराठा और अंडा, प्याज नहीं लगती सारा? नहीं। लस्सी? फिर लस्सी। आपने लस्सी जरूर पीनी है जब आप सहरी करेंगे, सारा दिन जो है आपका बड़ा सुकून का गुजरेगा, तो लस्सी आपने जरूर पीनी है। जी अख्तर साहब, आप अपने बारे में और कुछ बताएं, क्योंकि बस अब टाइम भी शो का कम ही रह गया, क्योंकि सहरी, अब आपको पता है कि हम सहरी करेंगे आपके साथ। और कितने घर में आपने ये देखा होगा, माशाल्लाह बहुएं भी हैं, बेटे भी हैं, लेकिन किचन एक है मेरा, जिन्होंने बनाए भी तो, लेकिन किचन एक ही है, खाना एक ही जगह पकता है, और माशाल्लाह सब मिलजुल के खाते हैं। अच्छा, इसके अलावा भी जो है, इसमें मैं बता रहा हूँ ना कि मेरी फैमिली बड़ी है, इसमें कुछ लोग बाहर हैं, एक बेटी मेरी यूके में, एक बेटी मेरी अमेरिका में, एक बेटी मेरी कनाडा में, एक बेटा और वो मेरा ऑस्ट्रेलिया में, यानी मैं इंटरनेशनल हर जगह हूँ। तो यानी जब सब एक जगह जमा हो जाते हैं, जब अभी आप इतना देख रहे हैं, तो माशाल्लाह कितनी रौनक होती है। बिल्कुल। तो इसी तरह से बस अल्लाह ताला सबको आस्था पुख्ता रखे। बिल्कुल बिल्कुल। आगे भी एक बेटा और बेटी, वो बहू आगे हैं, वो जरा से वो रह गए, तो माशाल्लाह वो ये है कि बड़ी फैमिली है, और जब तक हमारी जिंदगी है, कोशिश है कि जुड़ के रहें आपस में। बिल्कुल। और अल्लाह ताला बरकत भी देता है, और कहते हैं ना, दस्तरखान लगा हुआ उसमें एक साथ खाएं, तो अगर कुछ उसमें कम भेजो तो अल्लाह ताला उसमें खुद ब खुद बरकत डाल देते हैं। बिल्कुल जी। और कभी किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होती है। अब आपको पता होगा जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आज हम आपके घर आए, और सहरी इतने मजेदार मैंने कबाब खाए, और साथ मीठी मीठी लस्सी पी है, जो कि मीठे से मैं बहुत दूर हूँ, पर क्या करूँ कि अब सहरी में जहाँ जाती हूँ नमकीन लस्सी नहीं होती, मीठी होती है, और भरपूर मीठा जो है मैं पी रही हूँ। पर ख्याल रखें अपनी सेहत का, मीठा कम करें, थोड़ी सी सेवैयां जरूर खाएं आप। मैं जरूर अभी खाऊंगी, आप देखिएगा भी खाना है मेरी, और ये प्यारी सी बच्ची है, एक मिनट में सिर्फ बात कर लूँ, इसका दिल नहीं तोड़ूंगी, क्योंकि बच्ची, क्या नाम है आपका? बरीरा। अच्छा बरीरा, टाइम बिल्कुल, क्योंकि आपको पता है कि खत्म हो रहा है हमारा सहरी की तैयारी का, क्योंकि आपको पता है कि टाइम होता है, उस टाइम पे हमें आना होता है और उसी टाइम पे हमें जाना होता है। अच्छा जी, अब हम सहरी करते हैं, और ये मीठी मीठी सवैयां मैं खाती हूँ, आप भी कुछ मीठा अगर बनाया है सहरी में तो वो खाएं, वरना आप कबाब खाएं, कीमा खाएं, जो खाएं, पर सहरी भरपूर करें, और इसी तरह मेरा शो सहरी की तैयारी देखते रहें, पसंद करें, और हर सहरी मैं भी आऊंगी आपके घर मेहमान बनने। अपनी होस्ट एनिशा को दें इजाजत, फिर मिलेंगे कल। अल्लाह हाफिज़।